Good morning, students. Welcome to the class. Today we will start chapter 13, that is rights and duties. इसमें आप पढ़ोगे importance of the constitution, fundamental rights, fundamental duties, directive principles of state policy. The constitution of India, fundamental rights, fundamental duties and directive policies. इसमें fundamental rights में आप पढ़ोगे right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitution remedies. Fundamental duties में आप पढ़ोगे respect our constitution and obey the laws of our country, respect our national flag and national anthem, respect the diversity of our country, help the government in times of national crisis, protect and preserve our environment, no damage the public property, दूज ऑल सिटीजन एज इक्वल एंड फॉलो नॉन वायलेंस. डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पढ़ेंगे फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रिवेंट चाइल्ड लेबर एंड प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू बोथ मैन एंड वुमेन. इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया सिटीजन हैव सर्टेन राइट्स. सब कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी हर सिटीजन होता है नागरिक को, हर नागरिक के पास राइट्स से अधिकार मिले हुए उन्हें. और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द ऑफ इट्स पीपल. कौन रिस्पॉन्सिबल है कि राइट्स मिल रहे हैं पीपल को या नहीं? गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट आल्सो मेक्स लॉज एंड इंश्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय पीपल. इसके अलावा गवर्नमेंट लॉज बनाती है और देखती है कि वो लोगों द्वारा फॉलो हुए जा रहे हैं या नहीं. हर द गवर्नमेंट इज नॉट ऑल पावरफुल दो इट मे हैव द पावर टू मेक पीपल ओबे द लॉज. एट द सेम टाइम अ गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉज दैट टेक अवे द बेसिक राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन. देखो गवर्नमेंट लॉ बनाती है लेकिन वो ये ध्यान में रख के लॉ बनाती है कि जो बेसिक राइट्स हैं वो लोगों के उनसे छीन ना जाए, उनसे ले ना लिए जाए. ये सब सोच समझ के गवर्नमेंट लॉ बनाती है. The government also has to follow a set of basic rules or basic laws when it make a law. वो अपने mind में क्या set करती है? जो rules बने हुए हैं और जो basic law हैं, तब वो law बनता है. This set of rules and principles has been compiled and including in a document called the constitution. फिर वो rules और जो principle हैं वो compile होते हैं और किसमें include कर दिए जाते हैं? Document में, जिसे हम क्या बोलते हैं? Constitution. The Constitution of India. The Constitution of India is one of the longest written constitution in the world. Constitution of India क्या है? Longest written, सबसे बड़ा written constitution है world में. One of the people who drafted the constitution was Miss Dr. B.R. Ambedkar. इसे किसने किया था? Dr. B.R. Ambedkar ने. Our constitution was adopted on 26 November 1949. ये कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को. और इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का. व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट? कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? यू मे हैव वंडर्ड वेयर द गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम टू मेक लॉज एंड चेक दैट पीपल ऑबे देम. इट गेट्स दिस पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो उन्हें पावर मिलती कहाँ से है वो वाली, कि उन्हें क्या लॉ बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए, लोग उन्हें पीपल लॉ उन्हें ऑबे कर रहे हैं या नहीं, ये उन्हें सब पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से. द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है. इट टेल्स द गवर्नमेंट वट इट कैन डू एंड वट इट कैन नॉट डू एंड प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ऑल पावरफुल. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट पावरफुल बन सकती है. द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सर्टेन राइट्स, दे आल्सो हैव सम ड्यूटीज. दीज राइट्स एंड ड्यूटीज आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक सिटीजन के, इंडिया के सिटीजन के राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज हैं. और ये ड्यूटीज और राइट्स उन्हें किसके द्वारा मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. द फंडामेंटल राइट्स आर द प्रिविलेजेस given to every citizen by the constitution of India. These rights are necessary to help become better citizen. If anyone take away our rights, we can go to the court. The government also keeps in mind these rights of the citizen when it makes law. The following are some of the rights that we enjoy. Fundamental rights mein kuch ko
क्या मिलते हैं बेनिफिट सिटीजन्स को, स्पेशल बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है देखती है कि जब लॉ बनाती है कि लोगों से उनके बेसिक्स लॉज या ड्यूटीज छीन ना जाए, अगर कोई भी किसी से किसी का राइट ले लेता है तो वो सिटीजन हमारा कोर्ट में जा, तो इंडिया का सिटीजन जो है कोर्ट में जा सकता है कि उससे ये वाला उसका राइट छीन लिया गया है। राइट्स हैं कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, वी आर ऑल कंसिडर्ड इक्वल बिफोर द लॉ, देयर फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। भाई सब लोग इक्वल हैं, लॉ के अकॉर्डिंग किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इज फ्री टू स्पीक, एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज, फ्री टू लिव एंड ट्रेवल एनी वेयर इन द कंट्री, फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इन द कंट्रीज। हर किसी सिटीजन को बोलने का राइट है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का राइट है, वो कहीं पे भी जा सकता है कंट्री में और कोई भी प्रोफेशन कर सकता है कहीं कहीं पे भी जा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, वी कैन नॉट ट्रीट अदर्स इन अनफेयर मैनर एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, वी कैन नॉट बी फोर्स टू वर्क फॉर समबडी, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी मेड टू डू डेंजरस वर्क इन फैक्ट्रीज माइंस और वर्क एट समबडीज होम एज डोमेस्टिक लेबर। किसी के साथ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ, और जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें काम नहीं करने देना चाहिए, चाहे फैक्ट्रीज हो माइंस में या फिर डोमेस्टिक लेबर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड चूज द रिलीजन ऑफ हिज और चॉइस। हर सिटीजन को राइट है कि वो कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है अपनी मर्जी से। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री वेयर लैंग्वेज एंड कल्चर चेंज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, पीपल इन ईच स्टेट्स हैव टू राइट टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड फॉलो देयर ओन कल्चर, दे कैन ऑल्सो सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि कोई भी सिटीजन अपना स्कूल और कॉलेज इंडिया के किसी भी पार्ट में खोल सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट्स गिव अस पावर टू सीक जस्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे। अगर किसी का राइट ले लिया जाता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज, इफ वी एंजॉय अवर राइट बट डू नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटीज, देयर विल चार्ज एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। अगर हमें राइट्स मिलते हैं तो हमें ड्यूटीज भी फॉलो करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लॉ नहीं मानेंगे, उसे ऑबे नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर हो जाएगा कंट्रीज में। तो हमारी ड्यूटीज क्या है वो पढ़ते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो लॉ बने हुए हैं उनकी उनका भी पालन करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट हैव द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, क्राइसिस होते संकट, वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, वी मस्ट डू नॉट डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए जब जब कोई खतरा हो, संकट आ जाए देश पर, और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट को। वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन आर इक्वल एंड शुड नॉन फॉलो नॉन वायलेंस, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए और सब सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सब गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू गवर्न इन अ बेटर वे, दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है गवर्नमेंट के लिए जिससे गवर्नमेंट अच्छे से गवर्न कर सकती है कंट्री को, ऐसी गाइडलाइंस को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू फॉलो दीज गाइडलाइंस वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज एंड पुटिंग अ लॉ इनटू प्रैक्टिस। जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो उसे ये सब वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है। हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस कम्प्लीटली, सिटीजन कैन नॉट गो टू अ कोर्ट इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड बाई द गवर्नमेंट। सिटीजन कोर्ट में नहीं जा सकते अगर गवर्नमेंट क्या फॉलो ना करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन बिलो,
नीचे दे रखे हैं, सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सोशल ऑर्डर का सिक्योर कर रखा है प्रमोशन, लोगों के प्रमोशन और वेलफेयर के लिए. वो प्रमोट करती है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को किसके लिए, गरीब लोगों के लिए, और प्रोविजन देती है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर रखी है एजुकेशन गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें वो उन्हें मिड डे भी प्रोवाइड करती है और सब.